माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुपुर एग्जाम। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, फसलों के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ जो मेन फसलें हैं वह रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, और इन दोनों फसलों के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें बोला जाता है जायद की फसलें। तो आज इन तीनों फसलों पर चर्चा, इन तीनों फसलों के नाम, ट्रिक से याद रखने की विधि, और ये किस महीने में बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें, इसके बारे में आज डिटेल चर्चा पूरी तरह से। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए, कंफ्यूजन दूर। आज से भूलना ही नहीं है रबी की फसल है या ये जायद फसल है या ये खरीफ फसल है। आज मैं वो मास्टर रूल, वो मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं। वन नंबर फिक्स, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिससे इसमें प्रश्न नहीं बनता है। पूछता है किस महीने में बोई जाती है, या कौन सी फसल रबी की फसल है, या कौन सी फसल खरीफ की फसल है, या नकदी फसलें। तो आज इन सभी पर चर्चा और उन फसलों के नाम ट्रिक से याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? आप सारे नाम याद, नो डाउट नो कंफ्यूजन। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। नकदी फसलें जान जाए, नकदी फसलें, नकद से मतलब है जिसमें रुपया पैसा हमें तुरंत मिल जाए, और नकदी फसलें होती हैं। और यह फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा तैयार की जाती हैं, उगाई जाती हैं। हाँ भाई, किसान द्वारा सोचता है, किसान उसे पैसा तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तो इसलिए वो नकदी फसलें उगाता है, बोता है, इन्हें बोलता है नकदी फसलें, जिसे पैसा तुरंत मिल जाता है वो होती है नकदी फसलें। नाम याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया है, कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू, यदि इतना याद है नकदी फसल समाप्त। मिलाइए, खा से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट, त से तंबाकू। ये कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू जो है इन्हें नकदी फसलें कहा जाता है। दरअसल इन्हें बेचने पर हमें तुरंत कैश, नकद मूल्य मिल जाता है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है नकदी फसलें। तो आपसे यदि पूछे, उदाहरण प्रश्न देता है, पूछता है इसमें कौन नकदी फसल है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। उसमें खरीफ भी दिया रहता है, रबी भी दिया रहता है, जायद भी दिया रहता है, और नकदी फसल भी दिया रहता है। तो सबसे बढ़िया है ये ट्रिक याद रहता है, यदि कागज में तंबाकू आप तुरंत आसानी से पकड़ लीजिए। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू जो है ये नकदी फसलें हैं। ख से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट, त से तंबाकू। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसी पर जायर की फसलें, मैंने बताया जो जायर की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें और रबी की फसलों के उत्पादन तिथि के बीच में बोई जाती हैं, और उसी दौरान दो तीन महीने में काट ली जाती हैं, इन्हें बोला जाता है जायर फसलें। इसे मिलाइए ट्रिक, मैंने बताया है, पूछता है जायद फसलें कब बोई जाती हैं, तो मई जून में बोई जाती है, अप्रैल मई जून मान लीजिए, अप्रैल मई जून में बोई जाती हैं, और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, धान रोपने से पहले इन्हें काट लिया जाता है। ट्रिक, कौन सी फसलें जायद फसलें हैं, तो मैंने ट्रिक बताया है, ट्रिक याद है, आप आसानी से पढ़ जाइए, रटना सोचना जरूरत नहीं है। चार ट्रिक, 20-30 नाम याद। ताऊ खीरा खाकर मरे, ट्रिक है जायद फसलों की, ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खी से खीरा, खा से खरबूज, क से ककड़ी, म से मूंग। जो तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग है, जो अप्रैल मई में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त से पहले ये पूरी तरह से काट ली जाती हैं, तो इन्हें बोला जाता है जायद फसलें। ट्रिक याद रहना चाहिए, ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खी से खीरा, खीरा से खीरा, ख से खरबूज, क से ककड़ी, म से मूंग। तो ये जो फसलें हैं ये हमारी जायद फसलें हैं, तो जायद फसलें नाम याद रहना चाहिए। नाम यदि याद नहीं है तो ट्रिक याद रहता है, तो फिर ये भूलेगा नहीं। पहला ट्रिक मैंने बताया कागज में तंबाकू, नकदी फसलें। दूसरा ट्रिक मैंने बताया है ताऊ खीरा खाकर मरे, जायद फसलें। अब चलते हैं खरीफ फसलें, इन्हें बोलाता है ग्रीष्म ऋतु की फसलें। ये जो है बोई, पूछता है खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, याद रहना चाहिए जून से जुलाई की अवधि में बोई जाती हैं, और ये नवंबर दिसंबर, अब तो भाई सीजन लेट होता है तो अगस्त में भी बोई जा रही है, बारिश लेट होती है, फार्मर बारिश पर आधारित है, तो हमारा धान जो है वो अगस्त में भी रोपा जा रहा है। जो जान जाइए जो मूल इन्हें रोपने की सही समय है वो है जून और जुलाई। और ये पूछता है खरीफ फसलें किस महीने बोई जाती हैं, तो जून से जुलाई में, अगस्त में भी बोई जाती हैं लेट होता है तो, और ये काटी जाती है नवंबर से दिसंबर बीच में। कौन सी खरीफ फसलें हैं, तो मैंने ट्रिक बताया है, इसी ट्रिक से नाम याद, सोचने की जरूरत ही नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं, मैंने ट्रिक बताया है। मस्त, अरे गद्दा बाजा मत बजा, अरे गद्दा बाजा मत बजा। अब देखिए इसी पर इतना याद है, फनी ट्रिक भी है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में सुनने में, और याद भी हो जा रहा है। अ से अरहर, अरे से अरहर, व से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा,
जा से ज्वार, म से मक्का, ट से तिलहन। तो ये जितनी फसलें हैं ये हैं खरीफ फसलें। ट्रिक याद है, मस्त ट्रिक है, आप बोलते भी हैं, याद रहना चाहिए। अरे गद्धा बाजा मत बजा, अरे गद्धा बाजा मत बजा, और आसानी से आप यदि याद है आप खरीफ फसल इससे आप सोच लेते हैं, फिर डाउट कंफ्यूजन हो जाता है यार कौन खरीफ है रबी, और बच्चे बड़ी परेशानी होती है। ठीक याद है, आप आसानी से बना लेंगे। इसी तरह से रबी की फसलें, इन्हें बुलाता है जाड़े ऋतु की फसलें, जो जाड़े में बोई जाती हैं। पूछता है रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वो होती हैं रबी की फसलें, जाड़े की फसलें। ठीक, कौन कौन सी भैया रबी की फसलें हैं? तो रबी की फसलें, आज सच में राई ने गेम खेला, आज सच में राई ने गेम खेला, आज सच में राई ने गेम खेला। आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, रा से राई, गे से गेहूं, म से मटर। आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर। आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, ये जो हैं ये हैं रबी फसलें। तो चार ट्रिक पे चारों फसलों का नाम याद, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। तो मैंने पहला ट्रिक बताया है, नकदी फसलें यदि बतानी हो तो सीधा बताइए, कागज में तंबाकू, खा से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट, त से तंबाकू। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जो व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती हैं, भाई किसान को इससे नकद मूल्य मिलता है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है नकदी फसलें। दूसरी है जाड़ की फसलें, इन्हें बोलते हैं ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक याद रहना चाहिए, मैंने बोला है जो जाड़ फसलें होती हैं वो खरीफ फसलें और रबी फसलों के बीच की अवधि में बोई जाती हैं। हाँ, जब खरीफ फसलें बोई जाएं और रबी फसलें, इन दोनों के बीच की जो अवधि बचता है अप्रैल से जून तक, इसी अवधि में बोई और काट ली जाती हैं, ये होती हैं जाड़ फसलें। ठीक, मैंने बताया है ताऊ खीरा खाकर मरे, ता से तरबूज, ऊ से उड़द, खीरा, खा से खरबूज, क से ककड़ी, म से मूंग। तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, ये जो है जायद फसलें हैं। मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैथ नॉर्मल समझ आता है, इसे सुन कर याद हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तेज बता रहा हूँ। अब मैथ स्लो बताता हूँ जिसे अच्छे समझ में समझाना होता है। तो अब यहाँ समझिए, खरीफ की फसलें, खरीफ होता है ग्रीष्म ऋतु की फसलें, ये कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं, लेट हो तो अगस्त में भी, हमारे यहाँ पिछड़ी खेती हो रही है, अगस्त में भी बोई जा रही है, पर मेन जो समय होता है वह है जून या जुलाई। कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम खरीफ फसलें बोते हैं? दो फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, नाम याद नहीं है, सोचते हैं तभी पता चल जाता है। मैंने ट्रिक भी बताया है, अरे गद्धा बाजा मत बजा, अरे गद्धा बाजा मत बजा। अ से अरहर, अरे से अरहर, ग से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, ज से ज्वार, म से मक्का, त से तिलहन। अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन जो है ये होती है खरीफ फसलें। अब चलते हैं रबी की फसलें, जाड़े ऋतु की फसलें, ये कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, लेट होता है दिसंबर में, हमारे गेहूं बोया जा रहा है, मेन जो टाइम होता है गेहूं इन्हें बोने का होता है, सही समय जो होता है वैज्ञानिक विधि से होता है अक्टूबर और नवंबर, परंतु लेट होता है तो हमारा दिसंबर में ही बोई जाती है, गेहूं बोया जाता है भाई पिछड़ी खेती जो होती है, तो ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में, इन्हें बोला जाता है रबी की फसलें। कौन कौन है फसलों का नाम याद रखना जरूरी है, बस ट्रिक याद है उसी से नाम याद, मैंने ट्रिक बताया है, आज सच में राई ने गेम खेला, आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, रा से राई, गे से गेहूं, म से मटर। आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, इस तरह से रबी और खरीफ फसलों से एक प्रश्न बनता है पेपर्स में, एक नंबर कन्फर्म। यदि चार टिक याद है और मेरी बातें याद ध्यान से सुन लिए हैं, पूरा वीडियो यदि देख लिए हैं, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए पॉइंट पे।